बहुत प्यार से आज इस शब्द को श्रवण करिएगा और आज महाराज के जीवन, उनकी वाणी, उनके कार्य, उनकी सेवा, उनके प्रेम को याद करने का दिन है। आदि गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, श्री गुरुदेवे नमः, श्री सतगुरुदेवे नमः। नन्नोत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हथ। संतो रामदास सरोवर निका, जो नावे सो कुल तरावे, उधार हुआ है जी का। जय जयकार जग गावे, मन चिंदड़े फल पावे, सही सलामत नाए आए, अपना प्रभु ते आए। संत सरोवर नावे, सो जन परम गत पावे, मरे नया वह जाई, हर हर नाम ते आई। विच करता पुरख खलोया, वाल नविंगा हुआ, मजन गुरे आदारा से, जप हर हर किल विख नासे। संतो रामदास सरोवर निका, संतो रामदास सरोवर वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे
वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु।
शैन संग सो कैत मा जसोद जी से दही पात खाए जियो देख रूप अध्ययनु मोह महा मग पई किंकणी सबद जनत कार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके इस बम दान ध्यान तरत ही चाहे जियो सत साच श्री निवास आत्पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु वाहे गुरु अक्टूबर 1534 को एक सुपुत्र पैदा हुआ जिनके पिता का नाम हरिदास और जिनकी बहुत छोटी उम्र में कोई 7-1 वर्ष के होंगे जब उनके पिताजी चले गए नानी ने पाला जिनको नानी लेकर के आ गई बासर के में जहां गुरुदेव को लालन पालन मिला और फिर सुनके यश सुनके महिमा वाणी की सुनके यश गुरु के दरबार का तो मन में इच्छा आई कि जाऊं मैं भी और गुरु अमरदास के दर्शन करके आऊं जन्म से नाम इनको मिला जेठा हिंदी में शब्द है ज्येष्ठ ज्येष्ठ मतलब होता है द एल्डर बड़ा पंजाबी भाषा में जेठा नानी के साथ चले जाते हैं गोविंदवाल और दर्शन करने की इच्छा लेके गए थे तो सदगुरु के द्वार पर जब पहुंचते हैं तो पहली बार जब नज़ारा किया श्री गुरुदेव के चेहरे का तो मन में इतना आनंद और इतना सुख आया और सुन रखा था जिनके बारे में उनको साक्षात अपने आमने सामने देखते ही दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही नियम बना लिया कि अब रहना तो इसी दरवाजे के आगे है और गुजर बसर करने के लिए उबले हुए काले चने जिसे पंजाबी में कुंगनियां बोलते हैं उसकी एक छोटी सी दुकान लगा करके जहां सिख संगत जाती थी वहीं पर वो बैठ जाते थे इन दिनों गोइंदवाल में सेवा चल रही थी गहरे कुएं की खुदाई हो रही थी आधे समय तो ये सेवा में रहते बाकी समय में ये थोड़ा बहुत कुछ बेच भी लेते इतना प्यारा इनका स्वरूप था इतना सुंदर इनका चेहरा था कि एक दिन तीसरे गुरु अमरदास की पत्नी उनके साथ बात करती है और कहती है कि बेटी बड़ी हो गई है अब तो कोई
अच्छा इसका वर घर हो जाना चाहिए। महाराज कहते ठीक है देखते हैं। कोई बीबी पानी जी बोली कि ऐसा होना चाहिए जो गुरु नानक के घर से प्यार करता हो, तो देख के करने चाहिए। ले सही बोला, कैसा चाहिए? तो इतने में नजर चली गई सामने, काले उबले हुए चने बेचता हुआ ये नौजवान, सुंदर मुखड़ा है, बाणी पढ़ता है, सेवा करता है और कई महीनों से उसको यहां देख भी रहे हैं। तो माता जी के मुख से निकल गया कुछ ऐसा सा ही हो, देखने में सुंदर, गुरु घर से प्यार करता है, सेवा करता है, कुछ ऐसा सा ही हो। कुर्बान जाए गुरु अमरदास जी के, वो कहते हैं फिर ऐसा सा तो यही है, अब तेरी बेटी का ब्याह इसी के साथ होगा। अब तो इसी के साथ बुलाया, जिसके दरवाजे पर बैठे रहे लंबे समय तलक, दूर से जिसका दीदार होता था, आज उस सद्गुरु ने खुद बुला लिया सामने से, हाथ जोड़ करके अंदर पहुंचे, मत्था टेका, मेरे सतगुरु मैं कुर्बान। सोचिए एक बाप जब अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढता है ना, तो वो सोचता है पैसा बड़ा हो, मकान बड़ा हो, खानदान बड़ा हो, शोहरत हो, इज्जत हो, ताकत हो, और यहाँ गुरु पिता ढूंढ रहे हैं भक्त हो, सेवा करने वाला हो, गुरु घर का प्रेमी हो। वो ये नहीं देख रहे कि इसके माँ बाप कौन हैं, इसकी जात कौन सी है, ये जमींदार है, किसान है, क्या काम करता है, ना कुछ नहीं देखते, वो चेहरा देखते हैं बस। और उस चेहरे से टपक रही श्रद्धा भक्ति और प्रेम देखते हैं बस। वो कहते यही है। पूछते हैं नाम क्या है, हाथ जोड़ के बोले मेरा नाम जेठा है। कह रहे हैं आज से तो तू मेरा बेटा है, कौन है तेरे माँ बाप? बोले ना माँ है ना बाप है, नानी है बस। कहले जा अपनी नानी को बुला ला। अब नानी को कोई खबर नहीं है कि क्या क्या कारनामा हो रहा है, ये क्या चमत्कार उसके जीवन में होने जा रहा है, उसको कोई खबर नहीं। नानी आती है और गुरु कहते हैं कि तेरे इस दोते को मैं अपनी बेटी से ब्याहूं, स्वीकार है? सोच के देखिए, एक साधारण सी गरीब औरत, साधारण सी एक गरीब बुजुर्ग औरत, और आप सच्चा पातशाह कह रहे मेरी बेटी मैं तेरे से, तेरे दोते से ब्याहूं तो तुम्हें चलेगा? हाथ बांध दिए, हुजूर बच्चा आपका है, आप जो चाहो सो करो। यकीन नहीं होता ना कई बार, ऐसा भी हो सकता है। सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहूं चूरिए। और सतगुरु क्या दया कर रहा है, वो तो अपना ही बना रहा है। शादी हो गई, गोविंदवाल में रहने लग गए, लेकिन ब्याह हो जाने के बाद अब गुरु के जमाई हो गए हैं, इसके बाद ना कहीं कोई मान, ना कहीं कोई अभिमान, जैसे पहले सेवा कर रहे थे वैसे ही अभी भी सेवा कर रहे हैं। मैं बड़ा हो गया हूं,
मैं अब कोई शख्सियत हो गया हूँ, मेरा कुछ औदा होना चाहिए ना। उतनी नम्रता के साथ सेवा कर रहे हैं, गुरु के द्वार पर बैठे हैं, गुरु का दर्शन देखते हैं। समय के साथ वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली कि गुरु अमरदास जी ने अपने संतान को नहीं, अपने बच्चों में से नहीं, बल्कि इनको चुना गुरुगद्दी के लिए, और गुरुगद्दी पर भी शोभायमान हो गए। कहते हैं कि एक बार श्रीचंद गुरु नानक देव जी महाराज के सुपुत्र, जो उदासी हो गए थे, वैरागी बेश ले लिया था, साधुओं के निकल गए थे, जब उन्हें पता चला कि ऐसे अब नए गुरु कोई बैठे हैं अब गद्दी पर, तो वो आ गए। कहते हैं कि गुरु जी का जो स्वरूप था, उस स्वरूप की एक खासियत ये थी कि आपकी दाढ़ी बहुत लंबी थी। अब जब श्रीचंद जी मिलने आए तो गुरु नानक देव महाराज के पुत्र हैं, उदासी हैं, बैरागी हैं, योगी हैं, तो इतनी नम्रता से खुद नीचे बैठ गए, उनको ऊपर बैठाते हैं, सत्कार करते हैं, प्यार करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने इनकी लंबी दाढ़ी ऐसे हाथ में ले ली और कहा, ये इतनी लंबी दाढ़ी काहे को रखी तूने, इतनी लंबी दाढ़ी काहे को रखी है तूने? तो अपनी मीठी सी आवाज में कहते हैं, आप जैसे महापुरुषों के चरणों की धूल मैं हटा सकूं, इसलिए ये दाढ़ी है मेरी लंबी। सवाल पूछने वालों ने भी क्या पूछा और जवाब देने वाले ने भी क्या जवाब दिया कि सबके हृदय एक बार थम से गए। क्या जवाब दिया? श्रीचंद जी हंसने लग गए और कहते हैं, अरे आपकी इसी नम्रता के ऊपर तो मैं कुर्बान जाता हूं। अब समझ लगती है कि मेरे इस गुरु नानक की गद्दी के लिए आपको क्यों चुना गया, आज इस बात से स्पष्ट हो गया। इतनी नम्रता, इतनी मिठास, इतनी नम्रता, इतनी ह्यूमिलिटी, आप तो नमस्कार करने के योग्य हो, आप बिल्कुल सही इस गद्दी के लायक हो और शोभायमान हो। अब खूब नाम रोशन करना और खूब गुरु की सेवा करना। सुंदर स्वरूप, सुंदर गुण वालों ने फिर एक समय पर आकर के गोविंदवाल से दूर एक नया नगर बसाने का सोचा, और वो नगर जिसे आज आप अमृतसर कहते हो, उस समय पर उसको गुरु रामदास चक कहा जाता था। अमृतसर शहर का अगर प्लानर में कहूँ या आर्किटेक्ट में कहूँ तो वो गुरु रामदास हैं। श्री हरमंदिर साहब की कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, उसका रूप कैसा होगा, उसका जो पूरा विचार है, उसका जो पूरा सपना है, वो भी इन्हीं का है। हरि का मंदिर बने, हर मंदिर बने। कई लोग स्वर्ण मंदिर भी बोलते हैं, गोल्डन टेंपल भी कहते हैं, पर ये सही नाम नहीं है। नाम है हरि मंदिर, परमात्मा का मंदिर। जल में हो, चार दरवाजे हों, हर जात हर वर्ण का इंसान यहाँ पर आ सके और पानी के अंदर इस कमल को खिलाने का ख्याल भी आपका ही था। कल्पना की उनकी शक्ति तो देखिए। जिसके अंदर ईश्वरीय प्रेम आ जाता है, जिसके अंदर वह ईश्वरीयता आ जाती है, उनके अंदर रचनात्मकता, कलात्मकता, ये गुण भी सब अपने आप ही आ जाते हैं। लेखनी सुंदर, वचन सुंदर,
बोल सुंदर, गाते हैं सुंदर, और सबसे बड़ी देन जो मैं समझती हूँ कि पूरे संसार को जो उन्होंने दी है वो श्री हरिमंदर साहब की दी है। जहां तब से लेके आज तलक निरंतर शब्द कीर्तन चल रहे, लंगर चल रहे, प्रेम की प्यार की बात चल रही, प्यासी रूहों को अमृत पीने का स्थान दिया है, सरोवर है वहां पर, जल भी है वहां पर, स्नान करने बड़े लोग जाते हैं, अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए, पर ये याद रखिए कि शरीर का स्नान शरीर को पवित्र कर सकता है क्या? तो विचार से देखेंगे तो शरीर के अंदर मल मूत्र कफ पित्त की अधिकता है, तो शरीर अंदर से तो मैला ही है, उसको आप कैसे साफ कर लोगे? लेकिन जल में स्नान करने की जो परंपरा है इसके पीछे एक विज्ञान है। बहुत लोग समझते नहीं है, उन्हें लगता है ये कोई रिचुअल है, इसलिए कई लोग कर लेते हैं, कई लोग कहते हैं जी रहने दो, क्या है वास्ते करना। लेकिन भारत में साधना, साधु, संत और जल का एक बड़ा गहरा रिश्ता रहा है, शुरू से रहा, हजारों वर्षों से जोगी जती सती तपी गंगा किनारे पर ही तपस्या करते रहे, नर्मदा के किनारे तपस्या करते रहे, कहीं और भी तो कर सकते हैं, नदी के ही किनारे क्यों, जल के ही किनारे क्यों? कारण है उसका। जल का एक विशेष गुण है कि जल जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, वो उसको पी जाता है, वो अपने में जज्ब कर लेता है, इट हैज पावर टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशंस।